हेलो रोहन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्टपुष्ट होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएस जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। डेली बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस मेरे तरफ से कवर किया जाएगा। आज है आपका 18 मार्च और आज के न्यूज़ एनालिसिस को कवर करने के पहले एक शानदार कोटेशन से आज के शुरुआत करते हैं। आज का जो न्यूज़ एनालिसिस काफ़ी शानदार रहने वाला है और इसकी शुरुआत हम लोग एक काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ करने जा रहे हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि समय और जिंदगी दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर करके चलती है और दोनों एक तरह से हमारे मेंटर्स के रूप में यहाँ पे काम करती है। यानी दोनों ही हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय की रिस्पेक्ट आप जितना ज़्यादा करेंगे, समय का सदुपयोग जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी और बेहतर होते हुए चलेगी। ये बात ध्यान रखते चलेगा। आप टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे तो टाइम भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपका जो गोल है, आपका जो एम है, जहाँ पे आपने जो लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, वहाँ तक पहुँचने में आपकी मददगार भी करता हुआ चलेगा और आपकी ज़िंदगी को और सरल बनाता हुआ चलेगा। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट था। आइए आज की न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 18 मार्च 2022, ठीक है। सबसे पहले मैप एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको। तो आपको सबसे पहले गेस करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे देख करके बताइए। कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है कि ये कौन से कंट्री का मैप है, ये आपको बताना है। और अगर इन केस अगर आपको नहीं पता तो NA लिख दीजिएगा पहला नंबर पे, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, आई होप अब आप गेस कर लेंगे। ये आपका जो हिंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मैंने ग्लोब में इंडिकेट करके बता दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग बता पाएंगे कि ये हम लोग किस जगह के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वही लोकेशन है जो लोकेशन आप सोच रहे हैं। दिस इज मेदागास्कर, है ना, दिस इज मेदागास्कर। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल वर्ड महात्मा गांधी सरलानमा, इसके उद्घाटन यहाँ पे 16 मार्च 2022 को ही है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही है। आइए इसके बारे में कवर करते हुए चलते हैं। तो ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पे इसकी उद्घाटन की गई है। ग्रीन ट्रायंगल की उद्घाटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे की गई है, मेदागास्कर। यहाँ का जो कैपिटल है एंटानानारिवो, वहाँ पे इसकी इसकी उद्घाटन की गई है ग्रीन ट्रायंगल की, ये बात ध्यान रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मार्च 2022 में कहाँ पे किया गया है, मेदागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में संयुक्त रूप से किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। एंटानानारिवो के मेयर नैना एंड्रिया टिटोहेना और मेदागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है, ग्रीन ट्रायंगल का, कहाँ पे, मेदागास्कर के कैपिटल में, ये बात ध्यान रखिएगा। अभय कुमार ऑल्सो प्रेजेंटेड पोस्टल स्टैम्प्स ऑन गांधी टू द मेयर इशूड बाई द मेलागासी पोस्ट। तो मेलागासी अक्षय कुमार ने महापौर को गांधी पर टिकट भी भेंट किया है जो मेलागासी पोस्ट द्वारा जारी किया गया था। तो ये हम लोग किस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका मेदागास्कर लोकेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं 2D मैप में आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटानानारिवो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको हिंद महासागर आप देख पा रहे हैं, इधर आपको मोजाम्बिक चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ऊपर में कॉमरोज आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेदागास्कर आइलैंड का यहाँ पे कैपिटल एंटानानारिवो है, यहीं पे आपका ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए चलेगा। अगर हम लोग 3D मैप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा अर्थ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस लोकेशन पे दिस इज बिहार। यहाँ से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बिहार से अगर हम लोग यूपी की तरफ बढ़े, यूपी से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पे गुजरात, याद है, यहाँ पे गुजरात में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुजरात यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज क्या है, दिस इज यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, ये कौन सा एरिया है, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, याद रहेगा सभी लोगों को। गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट ऊपर में जहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कांडला पोर्ट, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, कांडला पोर्ट, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कांडला। यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, कौन सा एरिया है, ये गल्फ ऑफ कच्छ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गल्फ ऑफ कच्छ से हम लोग स्टार्ट किए जर्नी को
और ये आपका अरब सागर में हमने प्रवेश किया। अरब सागर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज अरब सागर, ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा, अरेबियन सी देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग अरेबियन सी के तरफ से बढ़े और जब आप इधर हिंद महासागर वाले एरिया में आइएगा तब आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नीचे और आएंगे तो यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा, मालदीव्स देखने को मिलेगा, सेचल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम नीचे आए, और अगर हम नीचे आए तो यहीं पे आपको मॉरिशस के बगल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेदागास्कर, मॉरिशस के बगल में आपको यहाँ पे मेदागास्कर देखने को मिलेगा। इधर कॉमरोज आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोजम्बिक चैनल, ये यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मोजम्बिक और मेदागास्कर के बीच में मोजम्बिक चैनल आपको देखने को मिलेगा, ये वाटर बॉडीज को मोजम्बिक चैनल कहते हैं। और यहाँ मेदागास्कर का कैपिटल जो है एंटाना रिवो है, यहीं पे जो ग्रीन ट्रायंगल है इसका उद्घाटन यहीं पे किया गया है। ठीक है, तो आई होप लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ये लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वही प्रोसेस आपको करना है, वीडियो को आप पॉज करें, आपको गेस करना है ये कौन सा स्टेट है, गेस करना है, कमेंट्स में आपको आंसर करना है, कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, कौन सा, उसके बाद फिर आपको वीडियो को प्ले करके फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपको बताना है ये किस स्टेट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपको गेस करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में नाम लिखिएगा, उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले करें। सभी लोग, सभी लोग, भले ही जो भी आपको लग रहा है, जो भी स्टेट आपको लग रहा है, भले ही गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आप ट्राई करें, ट्राई करें और स्टेट को गेस करें और उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है त्रिपुरा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसको जिष्णु देव वर्मा के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने देश में, यहाँ पे प्रदेश में इनके द्वारा इस साल का बजट पेश किया गया त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। तो त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने 17 मार्च 2022 को 2022-23 के लिए 26,893 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट यहाँ पे इनके द्वारा पे किया गया है, यहाँ पे बजट पेश किया गया है, टैक्स फ्री बजट फॉर द सेशन ऑफ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 23 की बात यहाँ पे कही जा रही है जिष्णु देव वर्मा के द्वारा। यहाँ पे 26,893 टैक्स फ्री बजट यहाँ पे पेश किया गया है। टोटल बजट्स की अगर हम लोग बात करें तो इस साल जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो कुल बजट आवंटन 2021-22 के बजट की तुलना में 18.34% की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है। कितने की वृद्धि दर्ज की गई है, 18.34 की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। पूंजीगत व्यय को 2021-22 में 2,651 करोड़ रुपए से दोगुना कर 5,285 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका यहाँ पे इस वर्ष जस्ट डबल कर दिया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के कंपैरिजन में, यानी इस वर्ष का जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, वो आपका 5,285 करोड़ रुपए है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर था, लास्ट वित्त वर्ष में, ये आपका 2,651 करोड़ रुपए था। ठीक है, शिक्षा में आवंटन में 20.66% की भी वृद्धि की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन सेक्टर्स में भी यहाँ पे इस बार में जो इस वित्त वर्ष है उसमें यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिलेगी लास्ट वित्त वर्ष के कंपैरिजन में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत की, तो 20.66% की वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर किस जगह की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा की बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा यहाँ पे आपका तीन साइडेड से बांग्लादेश से आपका कवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगरतला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेस्ट त्रिपुरा में ये आपका एरिया आता है अगरतला। ठीक है, ये आपका यहाँ का कैपिटल है। भारत के राज्य को ये आपका मिजोरम और असम को ये आपका टच करता है। किसको टच करता है, असम और मिजोरम को टच करता है। आइए थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज बांग्लादेश, बांग्लादेश के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको त्रिपुरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज त्रिपुरा, दिस इज त्रिपुरा, ये एग्जैक्ट लोकेशन है बांग्लादेश से जस्ट सटा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री साइड से ये आपका बांग्लादेश बॉर्डर से यहाँ पे आपका टच कर रहा है। ठीक है, और इसको जूम करते हैं,
तो यहाँ आप अगरतला, यहाँ का कैपिटल आप देख पा रहे होंगे अगरतला, और इधर आपका बेसिकली मिजोरम को और असम को ये आपका टच करता है, ठीक है, क्लियर। ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज, बाकी ये पूरा बांग्लादेश वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। माउथ ऑफ गंगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज माउथ ऑफ गंगा, ठीक है। चलिए थर्ड न्यूज के तरफ बढ़ते हुए, सेम एज इट इज आपको वैसे ही करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये कौन सा लोकेशन है, कौन सी कंट्री है, उसके बारे में आपको बतानी है ये कंट्री कौन सी है, और इसका कैपिटल भी आपको बताना है, ठीक है, कैपिटल भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा और फिर आगे की तरफ बढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका नन अदर देन श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोन को लेकर के क्रेडिट किया जा रहा है श्रीलंका को लेकर के, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के डेट में श्रीलंका जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से, इकोनॉमिक इमरजेंसी से आपका जूझ रहा है, सफर कर रहा है ना, वहाँ पे आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, खाने के लिए पैसों की मतलब फूड क्राइसिस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, खाने की बहुत कम वहाँ पे किल्लत हो रखी है ना, खाने की किल्लत हो रखी है वहाँ पे। तो SBI की तरफ से वहाँ पे 1 बिलियन का क्रेडिट लाइन यहाँ पे किसको दिया गया है, श्रीलंका को यहाँ पे दिया गया, ठीक है, SBI की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक श्रीलंका को भोजन के लिए, दवाओं के लिए और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए 1 बिलियन की ऋण सुविधा यहाँ पे प्रदान किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी इसेंशियल आइटम है, क्योंकि आज की डेट में फूड क्राइसिस से आपका जूझ रहा है श्रीलंका, और खास के इकोनॉमिकल इमरजेंसी के साथ भी जूझ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों के द्वारा 100% वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड हो गए थे, जिसके वजह से आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पता होगा जैविक खेती में प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है नॉर्मल एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ के लोगों के द्वारा बिना प्लानिंग के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी, जिसके वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसके वजह से वहाँ पे फूड क्राइसिस को लेकर के इमरजेंसी वहाँ पे लग गई, बाद में इकोनॉमिकल इमरजेंसी भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि लगी हुई है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताओं को लेकर के, पूर्ति करने को लेकर के यहाँ पे 1 बिलियन का क्रेडिट यहाँ पे SBI की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया, इसी चीज़ को लेकर के समझौते पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक की अगर हम लोग बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $500 मिलियन फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू श्रीलंका विच इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इससे पहले भारतीय निर्यात और आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक ने वित्तीय संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों को खरीद के वित्त पोषण के लिए $500 मिलियन की ऋण सहायता भी प्रदान की थी। तो ऑलरेडी हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हम ऑब्वियस सी बात है, भारत का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो हमेशा हर कंट्री को सपोर्ट करता हुआ चलता है, चाहे वो जिससे हमारे रिलेशंस अच्छे भी क्यों ना हो, वहाँ पे भी हम लोग कहीं ना कहीं उस रिलेशंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस को और स्ट्रांग किया जा रहा है उसको हेल्प करके, क्योंकि आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और इस बुरे वक्त में कहते हैं ना कि अगर आप किसी के खुशी के वक्त में आप शामिल हो या ना हो, अगर आप उसके बुरे वक्त में अगर आप उसका साथ दे रहे हैं, तो वो भले ही वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, दुख में कौन साथ देता है, यही सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पे भारत जो है वो आपको आज के डेट में श्रीलंका के साथ आपका खड़ा है, हर तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहा है भारत की तरफ से श्रीलंका को यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो इससे पहले एक्सिम बैंक के तरफ से यानी आपका निर्यात आयात बैंक के तरफ से $500 मिलियन का फाइनेंस किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए श्रीलंका के लिए, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आपका जूझ रहा है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। वित्तीय संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए $500 मिलियन की ऋण सहायता भी प्रदान की गई है, क्लियर, डन। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज श्रीलंका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज एडम्स ब्रिज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज एडम्स ब्रिज, ये पाक स्ट्रेट, यहीं पे आपका पाक बे है याद रखिएगा, जहाँ पे सी काउ डुगोंग का कंजर्वेशन सेंटर आपका तमिलनाडु के द्वारा बनाया जा रहा है। ये गल्फ ऑफ मानेर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, दिस इज श्रीलंका, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज हमारा प्यारा भारत,
और अगर इसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दिस इज श्रीलंका, ठीक है, लक्षद्वीप सी यानी हिंद महासागर वाले एरिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दक्षिण में एकदम, जो कि यहाँ पे ये यह आपका कनेक्टेड किसके साथ है, अगर मैं और इसको क्लोज लेकर के जाऊँ तो यहाँ पे आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा, कन्याकुमारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसको अगर हम लोग जूम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एडम्स ब्रिज, दिस इज एडम्स ब्रिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। धनुषकोटी सबसे अंतिम पॉइंट है यहाँ पे इंडिया का, यहाँ के बाद आपका ये समुंदर स्टार्ट हो जाता है। ये मानेर आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, दिस इज गल्फ ऑफ मानेर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ मानेर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मानेर लोकेशन यहाँ पे पड़ता है, दिस इज एडम्स ब्रिज, और ये आपका पाक स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज पाक बे, ये पाक बे, यहीं पे आपका कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है सी काउ डुगोंग का, ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रजाति आपके विलुप्त होने के कगार पे है। कितना संख्या उसकी बची हुई है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि डुगोंग की कितनी प्रजाति अभी बची हुई है, और उसको कंजर्व करने को लेकर के आपके तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव उठाया गया है कि हम लोग को एक कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करना है पाक बे में। तो मुझे नंबर बताइएगा कमेंट्स में करके, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट्स में जाइए जो नंबर है कि कितने बचे हुए पाक बे में संख्या है डुगोंग की, और उसके बारे में बताइएगा उसको कंजर्वेशन करने को लेकर के कितनी संख्या बची है, ताकि हम लोग को उसको कंजर्व करने की जरूरत आज के डेट में पड़ रही है, ठीक है, क्लियर। नीचे आपका श्रीलंका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये श्रीलंका आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबो है, कोलंबो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे कोट्टे भी है, जयवर्धने कोट्टे भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ये दोनों लोकेशन थोड़ा सा ध्यान से में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसको गेस कीजिए, नेक्स्ट मैप आपके सामने, नेक्स्ट मैप आपके सामने, दिस इज फोर्थ नंबर न्यूज़, इसको गेस करना है आपको, ये कौन सा आ, आ, लोकेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूँ, एक स्टेट है वो आपको बताना है, स्टेट है, ठीक है, और इस स्टेट की खासियत ये है, एक और हिंट, सबसे बड़ा हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ कि ये स्टेट में आर्टिकल 44 है ना, उसको लेकर के यहाँ पे ये पहला देश है, पहला एरिया है जो आर्टिकल 44 को यहाँ पे फॉलो करता है, वो आपको बताना है, आर्टिकल 44 यहाँ पे फॉलो करने वाला पहला देश भारत, और सभी राज्यों को इसके बारे में इससे सीखना चाहिए, आर्टिकल 44 किससे संबंधित है वो भी बताइएगा, ठीक है, ये उस उसी एरिया की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी लोकेशन की बात कही जा रही है। वीडियो पाउज कमेंट सेक्शन में इसका नाम, और इसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सक्षम, सक्षम को यहाँ पे कमीशन किया गया है, कहाँ पे, गोवा में ही इसको कमीशन किया गया है, तो इंडिया कोस्ट गार्ड शिप जो है सक्षम, इसको कमीशन किया गया है किसके द्वारा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 16 मार्च 2022 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोर्ट सक्षम को चालू किया, यह 105 मीटर अप तटीय गश्ती जहाजों वर्ग की श्रृंखला में ये आपका पांचवा है, तो ये फिफ्थ इन द सीरीज ऑफ 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPVS क्लास का, ये फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज का, आपका ये ICGS है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ये याद रखते हुए चलेगा। इट हैज बीन डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनियसली बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक है। दिस शिप डिस्प्लेसेस अप्रॉक्सीमेटली 2350 टन्स एंड इज प्रोपेल्ड बाई 2900 किलोवाट डीजल इंजन, जहाज लगभग 2350 टन संकल पंजीकृत टन भार को विस्थापित करता है, और इसकी क्षमता है 2350 टन, और 2100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित इसका होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे सक्षम की बात कही जा रही है, भारतीय तटरक्षक पोर्ट सक्षम की बात यहाँ पे कही जा रही है, इसी को यहाँ पे कमीशन किया गया है 16 मार्च 2022 को, किसके द्वारा,
यहाँ पे अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार रक्षा सचिव के द्वारा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं उसके द्वारा, यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे इसको क्या किया गया है, कमीशन किया गया। यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र को ये आपका टच कर रहा है, कर्नाटका के बाउंड्री को यहाँ पे आपका टच कर रहा है। दो भाग में ये आपका गोवा बटा हुआ है, एक है आपका नॉर्थ गोवा, दूसरा है आपका साउथ गोवा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी वास्को डी गामा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अरेबियन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैप में देखते हैं, तो ये अपना प्यारा ग्लोब, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपके डिवाइडेड है, ये छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दिस इज गोवा, दिस इज गोवा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज गोवा, इसी लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। कर्नाटका के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और ऊपर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। चलिए मुझे बताइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, और दूसरा क्वेश्चन जो है, गोवा किसके कंट्रोल में था और ये किस वर्ष उससे आजाद हुआ है, यानी वो भारत में शामिल हुआ है, किस वर्ष भारत में शामिल हुआ है, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो वीडियो को पॉज करें, पहले इस दो क्वेश्चन का आंसर करें कि गोवा किसके कंट्रोल में था आजादी के बाद से, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था ना तब तक गोवा हमारे पास नहीं था, तो गोवा किसके कंट्रोल में था यह आपको बताना है, और गोवा को भारत के राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया है, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना है नेक्स्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है। देखिए जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको बाद में, क्योंकि मैं सारे के कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, तो अपने डाउट, जो चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही है उसको एक बार वापस से आप गो थ्रू करें, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिप्ले करके फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर मेंशन करें, ताकि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर के आऊँ वहाँ पर आपके डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो ये जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नासा के द्वारा यहाँ पे मेगा मून रॉकेट को यहाँ पे की टेस्ट करने को लेकर के प्लान किया जा रहा है। नासा ने 17 मार्च 2022 को प्रमुख परीक्षणों के लिए अपने विशाल मेगा मून रॉकेट को लॉन्च पैड पर उतार दिया है। चंद्रमा के चारों ओर और पृथ्वी पर वापस नासा के मानव रहित आर्टिमस, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आर्टिमस फर्स्ट मिशन को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया 322 फुट लंबा स्टिक नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान से बना है, जो कि एक मोबाइल लॉन्चर से के कारण ये आपका ऊपर के तरफ उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 322 फुट टॉल ये आपको डिजाइन किया गया इसको, ताकि नासा का जो अनक्रूड आर्टिमस फर्स्ट मिशन था, जो मून के चारों तरफ गया था वो वापस से पृथ्वी पर आया था, उसको फिर से नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा और ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा फिर से मोबाइल लॉन्चर के द्वारा इसको वहां पे भेजा जाएगा। नासा प्लान्स टू सेंड ह्यूमंस बाय द मून इन 2025। अब यहाँ पे क्रू मिशन को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, मानव मिशन, अभी तक तो मानव रहित मिशन आपको देखने को मिलेगा जो कि नासा के द्वारा प्लान किया गया था, अब यहाँ पे प्लान कर रहा है नासा मून पर ह्यूमंस को भेजने का, और ये प्लानिंग कब की जा रही है, ये 2025 को की जा रही है, ठीक है। तो नासा ने 2025 तक इंसानों को चांद पर भेजने की योजना बनाई है, कि एनी हो 2025 तक हम लोग एक क्रू मिशन करेंगे, ये नासा के तरफ से घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करें और इनका नाम बताइएगा कौन है ये कमेंट सेक्शन में, इनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका नाम है आपका, इनका नाम गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 17 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है। इसे पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। तो पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को यहाँ पे जारी किया गया है, इसको जारी किया गया 17 मार्च 2022 को, पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को इनके द्वारा जारी किया गया है।
पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से इसको जारी किया गया है। इसमें आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था जैसे क्षेत्रों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। जोखिम जो आपको जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, हजार्डस होता है, जोखिम वाला होता है, उसको यहाँ पे इस सब एरिया में कवर किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा ताकि हाँ उसको अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, डिजास्टर को मैनेज किया जा सके, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय के तरफ से इसको क्या किया गया, इसको सक्सेसफुली रिलीज किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, ये ध्यान रखते चलेगा। पंचायती राज की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो मुझे एक और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पंचायती राज दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये सारे आपका एक तरह से रिविजन मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन दे करके कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर देने का, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आपको उसके सामने NA लिख दीजिएगा कि हाँ इसको नहीं पता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितेंद्र कुमार के द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा आर्कटिक पॉलिसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा रिलीज की गई है, आर्कटिक नीति का विमोचन यहाँ पे किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत की आर्कटिक नीति का विमोचन किया है, रिलीज की है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मुख्यालय से भारत की आर्कटिक नीति को जारी की है। इसका शीर्षक इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो टाइटल क्या रखा गया है, इसका टाइटल रखा गया है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोमोटिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इन परस्यूट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन द आर्कटिक इज वन ऑफ इट्स एजेंडाज। आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ावा देना इसके एजेंडे में से एक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये था आपके आज के महत्वपूर्ण न्यूज एनालिसिस जो कि आपका यहाँ पे मेरे तरफ से आपका कवर किया गया है 18 मार्च का। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पे वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी इसमें इस चैनल पे वीडियो आपका अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और टाइमली आप उस वीडियोस को कवर कर सकें। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको सारे क्लासेस के लिंक्स वगैरह और नोट्स वगैरह यहीं पर आपको मिल जाएंगे। मेरे से कांटेक्ट करना हो तो आप इस मेल पे आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं ताकि उस डाउट्स को मेरे द्वारा आपको क्लियर किया जा सके, या फिर कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई वो चीज़ें जरूर शेयर कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको 5+ क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलिएगा कमेंट सेक्शन में। एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक तरह से रिविजन भी आपका होता हुआ चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका PSC जर्नी फैमिली में स्वागत है और इसी तरह से बने रहिएगा, और वीडियोज़ को लेकर के रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मिलते हुए चलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।